तो आज हम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइंग 3D गेम में अपने घर को चेंज कर दिया, वो भी एक पुलिस स्टेशन में भाई, जिसके अंदर एक पुलिस वाले कंप्लेन भी देने वाले हैं और उसके अंदर एक जेल भी है। तो मैं शहर से बाहर गया हुआ था एक जरूरी काम से, और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है, और इतनी तेज बारिश हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि बाढ़ ही आ जाएगी। अरे यार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं जाते वक्त यहाँ से एक से गया था, मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया और मैं वापिस से ट्रेन से आ रहा हूँ। तो मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि मैं अपने नए वाले घर पे जाऊँगा तो मैं भीग जाऊँगा, हम लोग अपने पुराने वाले घर पे ही रुकेंगे गाइस। तो चलो भागना चालू करते यार, क्योंकि यहाँ पे बिजली भी कड़क रही है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आ गया भाई, आ गया यार, आ गया। बारिश का मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार। आप लोग गाइस कमेंट करके बताओ कि आप लोग को सबसे फेवरेट सीजन कौन सा लगता है। तो चलो गाइस हम लोग चल के सोते हैं। क्या गिरा यार? कुछ गिरने की अभी आवाज आई। ये तो सुबह हो गया यार, रात में ना कुछ गिरने की आवाज आई थी, शायद ग्लास था। भाई कहीं मेरे घर में बिल्ली विल्ली तो नहीं है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं जाके। मुझे लग रहा है ना कि मेरे घर में बिल्ली छुपी हुई है, या तो चूहा होगा, पक्का इन दोनों में से कोई तो होगा। क्या है देखते हैं। अरे साइड में तो कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई ऐसा सामान भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने पास सामान लेकर चला गया था, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं छोड़ा। हाँ बस फर्नीचर का सामान है, और इसमें से कुछ गिर जाए ऐसा गिन नहीं है गाइस। भाई पंखा भी चालू है, मैं तो आया ही नहीं गाइस ऊपर वाले कमरे में। भाई टॉयलेट में भी कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले बालकनी में बिल्ली छुपी हुई है लग रहा है। अभी आया बेटा, मैं बताता हूँ तुझे। कहाँ है, कहाँ है तू? मेरे घर पे क्या है इतनी बड़ी बिल्ली? ओ सॉरी, ये तो कोई इंसान है भाई। ये है कौन? ये मेरे घर पे सो रहा है। हेलो, ओ भाई साहब। कौन हो भाई, पे क्यों सो रहे हो? जा पे, ये दारू तो नहीं पी गया भाई? अबे उठ जा। अरे भाई इसके पास तो बंदूक है भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे माफ कर दो। क्या हुआ? ओ भाई भाई बच गए बच गए, पुलिस वाले ने हमको बचा लिया भाई। थैंक यू सर, पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक मुजरिम है, उसको ये पुलिस वाले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे, और मैं भी एक हफ्ते से घर से बाहर चला गया था, और किसी को नहीं पता था कि ये मेरे पुराने वाले घर में छुपा हुआ है। तो अभी ये घायल हो चुका है, और हमको जाके ना अब जल्द से जल्द एक कंप्लेन लिखवानी होगी। मुझे जाना होगा जल्दी, क्योंकि पुलिस वालों को लगेगा कि मैं ही अपने घर में इनको छुपाया था। इसे जाके कंप्लेंट लिखवाते गाइस। भाई मैं पुलिस वाले के साथ उसी की गाड़ी में बैठ गया हूँ, और मैं इसके साथ जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। मुजरिम है ना, वो मेरे घर में घायल पड़ा हुआ है, अभी उसको लेने के लिए पूरी टीम आ जाएगी। तब के लिए हम लोग निकलते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके तैयार करवाते हैं। सर मैं आ गया हूँ, मेरी एक कंप्लेंट लिख दो। अरे ये आवाज, मैं ये बता रहा था कि अरे सर आपको टीटी की आवाज नहीं आ रही? अरे ये बम, ये क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में किसी ने बम लगाया हुआ था, और मुझे आए पुलिस वालों को किसी को भी नहीं पता था भाई। पूरा पुलिस स्टेशन जल चुका है, लैपटॉप में बह चुका है भाई। इतनी सारी आग भाई, होगा आप लोग कहाँ रहोगे भाई? ये तो बहुत ही खतरनाक हुआ, अंदर भी नहीं जा सकता, इतना खतरनाक आग लगा हुआ। तो अभी यार पुलिस स्टेशन में आग लग चुकी, और पुलिस वालों के पास रहने के लिए कोई भी, इसलिए अरे वो देखो भाग रहे हैं। अरे वो प्रिजनर ने ही बम लगाया, इसको तो हम लोग बाद में। तो ये सर बोल रहे कि अभी हम लोगों को पुलिस स्टेशन की जरूरत है हमारे से, और ये पुलिस स्टेशन हमें ही बनाना होगा अपने घर। तो मेरा जो पुराना घर है ना, उसको पुलिस स्टेशन में बदलना पड़े इन पुलिस वालों को रहने के लिए, तो ये काम मैं ही करूँ। तो मैं जाता हूँ और पुलिस स्टेशन जल्दी से तैयार कर। तो पुलिस स्टेशन बनाने के लिए गाइस हमको कुछ चाहिए, तो जैसे सीमेंट, रेत, ये सारे चीज़ें, पेंट बकेट हम लोगों को चाहिए, ये सारे कंस्ट्रक्शन साइट, मुझे ये सारा सामान मिल जाएगा। और मिट्टी चाहिए गाइस, और उसको मैं लेके आऊँगा खुद जंगल। हाँ हमारा जो क्रेन है ना बहुत बड़ा है, उसको लेके जाना पड़ेगा हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अभी आ गया हूँ मैं पेंट बैकेट उठा। तो इस ब्रिज पे हमको चढ़ना पड़ेगा, और हाँ इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा दीवार रखी हुई है, तो इसको उठा के हम लोग एकदम टेढ़े में रखेंगे, ताकि हम लोग ब्रिज पे चढ़ें। कैसे रखते हैं ये मैं अभी बताऊँ। मैं ऐसे रखूँगा ना जैसे सीढ़ी जैसे, थोड़ा ऊपर नीचे, अभी थोड़ा नीचे है ना, हाँ थोड़ा ऊपर। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं,
और यहाँ पे पेंट बकेट, अरे यार यहाँ पे जंप मारनी पड़ी। तो आगे जो पेंट बकेट आपको दिख रहा है ना, उसको उठा के लाने। तो देखते हैं, मुझे थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा यार, क्योंकि सामने जो दिख रहा है ना वो बहुत पतला रास्ता। आराम से चलो। ओ बच गया भाई, चलो चलो सीधे चलना, पैर देख के और नीचे देख के पैर संभाल। पेंट बकेट इतना दूर क्यों रखा यार, कौन था, क्या काम कर रहा इतना दूर? और वहाँ पे पेंट बैकेट रख के चला गया, उसको यहाँ पे वापस से ब्रिज पे रख देना चाहिए। चलो चलो पहुँच ही गए, बस ये रहा पेंट बैकेट। तो पेंट बैकेट हो चुका है, सीमेंट हो चुका है, सैंड हो चुका है, और अब हम लोगों को जरूरत है मिट्टी। तो मिट्टी को हम लोग पुलिस वाले कार से ले जा नहीं सकते, तो हम लोग ले जाएंगे इस जेसीबी को उस जंगल, जो कि मिट्टी खोदने की एक एक्सपर्ट मशीन। तो इसको मैं ले जा रहा हूँ जुरासिक पार्क के अंदर, वहाँ पे एक बढ़िया से मिट्टी खोदेंगे और उसको लेकर आएंगे। तो आई थिंक मुझे ये जगह बहुत सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आसपास मुझे कोई भी डायनासोर नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे हमको आधा एक घंटा मिल जाएगा मिट्टी खोदने के लिए। तो मैं अपनी मशीन सेट कर लूँ, ओ ऊपर से नीचे, अरे भाई ज़्यादा नीचे हो गई, पीछे से बाहर निकल। ओ भाई मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ जेसीबी रेगुलर, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती कि कैसे चलानी है इसको। और ये रहा नीचे से निकल गया, और चलो। तो हम लोगों ने गाइस बहुत सारी मिट्टी निकाल ली है जमीन, और इसको हम लोग लेकर जाए अपने घर। दिक्कत ये ना गाइस कि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा, तो इतनी मिट्टी ना गाइस आएगी भी नहीं जेसीबी में, और मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, तो इससे शायद काम चला लेंगे। तो जेसीबी ना भाई बहुत ही अच्छी मशीन है, इतनी मिट्टी इस पे लादने के बाद ना थोड़ी भी स्पीड कम नहीं कर, मतलब ये है कि इसे असर ही नहीं पड़ रहा है इतने ज़्यादा वेट। तो इसको ना मैं घर छोड़ के आता हूँ, और नेक्स्ट जो सामान है ना भाई वो है ट्रॉली। तो वो जो मैं आपको एक क्रेन बताया था ना, उसको लाने के लिए हमें चाहिए एक ट्रॉली, जो कि उसके नीचे लगेगी, और जब वो ट्रॉली के पहिए चलेंगे ना तो वो क्रेन अपने आप आगे बढ़ेगी। तो जेसीबी मैं रख के आ चुका हूँ, और वो जो क्रेन है ना मुझे ऊपर मिलेगी। पहली बार ना गाइज मैं कोई रैंप करने जा रहा हूँ, वो भी साइकिल से, ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, तो इसमें बहुत ही मजा आएगा, आगे देखना क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे भी नहीं भाई साइकिल से जाना थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये इतनी धीरे चल रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ आप। आगे है क्या वैसे? वो आगे कंटेनर है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, और हाँ चेक पॉइंट ले लेते पहले भाई। ये जो रास्ता ना भाई बाइक से हो भी नहीं सकता था, और हाँ यहाँ पे धीरे धीरे मोड़ना पड़ेगा, और थोड़ी तेज मोड़ना पड़ेगा, हम लोगों की साइकिल नीचे ना गिर जाए भाई। चलो वापिस से करते हैं, इसको लेफ्ट मोड़ेंगे, वो ठीक है ठीक है। अरे नहीं, अरे सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही जा रहा है, थोड़ी देर और परफेक्ट आ रहा है, हाँ ये सही है। हाँ सामने वाला जो दिख रहा है ना वो चेक पॉइंट ले लो भाई, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, ओ ये आ गए, और हमें फिर से यहीं से उसी तरह चलना पड़ेगा, और यहाँ पे आ गए। अरे नहीं, फिर से हमें वैसे ही चलना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चलानी पड़ेगी, इसका कोई भी टायर नीचे नहीं जाए, बहुत ही आराम से चलानी है साइकिल। ये क्या अभी डस्टबिन पे साइकिल चढ़ानी है भाई? तो चलो चढ़ाते हैं। लो भाई हो गई, ये भी हो गई, हमको पंखे दिख रहे हैं, चलो देखते हैं। तो पंखे के ऊपर साइकिल चढ़ चुकी है, और हमको यहाँ से चेक पॉइंट लेना जरूर। तो वापिस से फिर से वही रात, अरे यार यहाँ पे फिर से साइकिल गिरेगी, और यहाँ पे बहुत ही पतला रास्ता यार, बहुत, और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इस कंटेनर के, क्योंकि जब इस कंटेनर मेरे सामने आएगा तभी मैं इस चेक पॉइंट को ले, तो भाई कंटेनर जल्द, तो ये आ गया और चेक पॉइंट भी ले लिया, और तेजी में जल्दी से भगाते भाई, और आगे सामने एक और चेक पॉइंट है। ओ भाई हमने गलती कर दी भाई, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या, और अच्छा हाँ जब तक कंटेनर आएगा तब तक मैं गिरता और ऊपर आता रहूँ। तो ओके, तो फिर से आते हैं तेजी में, और ये वाला हो गया गाइज। तो एक और चेक पॉइंट हमको मिल गया है, तो हमको सीधे जाना है इस रास्ते। अरे थोड़ी गलती, आगे पंखे देख रहे हो, इससे हमको बच के निकलना भाई। बहुत सही जा रहा हूँ, लेकिन आगे क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, चलो ऐसे ही चल। अरे आगे देख तो लूँ पहले, अरे भाई वहाँ पे जंप मार ली, और यहाँ पे हमने ब्रेक ही मार दी, मुझे लगा कि यहाँ से सीधे हमको अंदर घुसना है, तो हमको ये नहीं करा, तो हमको यहाँ से फुल स्पीड में जानी है, तो शायद जंप लग जाए तो लग ही जानी चाहिए, वरना ये रैंप होगा किस काम का, सही है ना? सही बात। तो ले भाई यहाँ से हम लोग जंप लगाते हैं, और ऐसे ही हाँ भाई, ये चेक पॉइंट भी बोलेगा कि क्या आया है बंदा। तो चलो हम लोग को आगे, अरे ये क्या है भाई, हम लोगों तो कुछ समझ नहीं। तो आगे डस्टबिन है, लेकिन भाई ये उल्टे कोने, मैं उल्टे कोने से आता,
यार मुश्किल होने वाला है, लेकिन ये फिनिश लाइन है ना वो बिल्कुल पास में, उसके जस्ट आगे हमारी ट्रॉली लटकी हुई है भाई। कमॉन हम लोग कर सकते हैं भाई, डस्टबिन सीधे खड़े रहना, हिलना मत, चल चल चल। तो ये ले लिया हमने, अबे आगे तो पूरा यही है भाई, तो हमको गाइज मुड़ मुड़ के ही जाना है, बहुत ही संभल। तो चलो भाई धीरे धीरे आगे पीछे करते हैं और निकलते हैं। तो कड़ी मेहनत के बाद भाई यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ इस ट्रॉली के ऊपर, जो कि यहाँ पे ये लटकी पड़ी है। और यहाँ से इसका स्क्रू खोलते हैं और यहाँ से ये सीधे जाएगी नीचे। तो मैंने आपको जो सेटअप बोला था वो ये है, हमने इस क्रेन को इसके ऊपर रखवा लिया है। अब बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है, अब बस देखते जाना। आपने बाइक चलाई होगी, कार चलाई होगी, लेकिन आपने कभी क्रेन नहीं चलाई होगी। तो आज हम लोग चला रहे हैं क्रेन भाई, वो भी एक ट्रॉली के ऊपर रख के। नेक्स्ट लेवल है भाई, क्या ही खतरनाक, क्या ही व्हीकल बनाया है मैंने। तो बीच ट्रैफिक से हम लोग आ चुके हैं अपने घर, अब हमको पूरा काम स्टार्ट करना है। ओके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का सामान हमारे घर पे आ चुका है, तो बस हमारे लेबर को बुलाना है और इसको बनाना है एक पुलिस स्टेशन। तो सारा सामान आ चुका है और पूरा सामान मैं एक एक करके खुद ही ले आऊँ गाइज, ये सारा ओरिजिनल सामान है, पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो आखिरकार हमारा पुलिस स्टेशन एक महीने बाद बन के तैयार हो चुका है गाइज। तो ये उस पुलिस स्टेशन से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है यार, क्या ही बिल्डिंग बनाई है मैंने भाई, हमारा पुराना घर लग ही नहीं रहा है कि ये पुलिस स्टेशन बन चुका है, कितना सही लग रहा है गाइस। चलो अंदर को देखते हैं, यहाँ पे पुलिस की कार है, यहाँ पे दो गार्ड लगे हुए हैं, जैसे वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते थे कंप्लेन लिखवाने, वैसे यहाँ पे भी बैठे हैं कुछ लोग कंप्लेन लिखवाने के लिए, जो कभी लिखवाते ही नहीं है। ये तीन वही हैं जो हर बार मुझसे मदद लेने आते हैं, ये तीनों यहीं पे बैठे हैं रिसेप्शन पे, तो यहाँ इनका रिसेप्शन भी सेट है। हाँ कैमरे भी देख लो, एक कैमरा मैंने घर के बाहर रखवा दिया है, मेरे घर की सेफ्टी कौन करेगा बताओ। और ये एक जेल का बंदा जो वहाँ पे बंद था, इसे लग रहा हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, नहीं भाई मैंने बोला कि इस वाले जेल में डलवाते। तो ये ऊपर का हम लोगों ने खाली छोड़ दिया, इससे ज़्यादा सामान पुलिस वालों के पास था ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।